गणपति बापा से जो मांगा वो मैं आपको बता नहीं सकता। उनके कान में मैंने रिक्वेस्ट की और मेरा पहला मौका है क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गांव, जैसे उन्होंने बताया कि एक कान में बोलिए और दूसरा कान उनका बंद कर दीजिए ताकि वो ठीक से आपकी बात को सुने। तो मैंने गणपति बापा के कान में कोई रिक्वेस्ट की है और मेरा पूरा विश्वास है, मेरी पूरी श्रद्धा है कि वो रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे। देखिए ये एक बहुत ही अनयूजुअल जगह है किसी भी फिल्म का प्रचार करने की, फिल्म का म्यूज़िक लॉन्च करने की। और चूँकि फिल्म बनाने वाले दो यंग लोग, फिल्म के जो दो डायरेक्टर हैं, दोनों के दोनों पहले खलनायक के रोल में आते थे, शिवम और आदि ईरानी, दोनों ने मेरे साथ बहुत फिल्में की हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आशीर्वाद चाहिए गणपति बापा का और एक नए अंदाज से, अनयूजुअल तरीके से फिल्म के दो डायरेक्टर शिवा आदि ईरानी और फिल्म के प्रोड्यूसर आशीष, इन्होंने ये आयोजन किया फिल्म रक्त का म्यूज़िक रिलीज़ करने के लिए। चूँकि फिल्म में मेरी नायक की भूमिका है तो, और मैं अपने मित्रों का साथ देना चाहता हूँ, वो मित्र जिन्होंने बहुत तकलीफ़ों से, बहुत परेशानियों से ये फिल्म बनाई है, तो मैं इसके लिए तैयार हुआ, राज़ी हुआ। चाहे मैं इस बात में मुझे पूरा विश्वास है कि गणपति बापा के सामने उन्होंने अपनी फिल्म के लिए, अपनी फिल्म के म्यूज़िक के लिए आशीर्वाद मांगा, पर इस बात में मेरा कोई विश्वास नहीं है कि ऐसी जगह पर आप अपनी फिल्म के प्रचार के चक्कर में घुस जाएं। मैं तो बापा के लिए श्रद्धा और अपने मित्रों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया। जैसे कि आपने कहा आप नायक प्ले कर रहे हैं, तो क्या रोमांस करते नजर आएंगे इस फिल्म में? ऑफ कोर्स, दो हीरोइंस के साथ। बताएंगे इस फिल्म के बारे में आप? मैं इस फिल्म के बारे में आपको आराम से दोबारा बताऊंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रक्त फिल्म दो एक्टर जो खलनायक का रोल करते थे, उन दोनों ने ये फिल्म डायरेक्ट की है। बहुत अनयूजुअल कहानी है और उन दोनों को गणपति बापा का आशीर्वाद लगे, आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि दोनों ने बहुत मुश्किल से, बहुत तकलीफ़ से ये फिल्म बनाई। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।